अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सरदार सलीम हैदर ख़ान, इनके वालिद की डेथ हो गई तो ये उनका जनाजा है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत ही बड़ा जनाजा था उनका, वो ख़ुद भी बहुत अच्छे इंसान थे और सरदार साहब का भी ताल्लुक़ सियासत से रहा है और एक्स मिनिस्टर भी हैं, तो बहुत ही बड़ा जनाजा था। ये वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन उस टाइम मैं नहीं लगा सका, तो आज मैंने सोचा मैं ये वीडियो लगाता हूँ। अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता फरमाए। तो अब ये जनाजा पढ़ने लगे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये चौधरी निसार अली खान भी अफसोस के लिए आए थे सरदार सलीम हैदर के पास। इसके अलावा और भी बहुत सारे, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो, और जुल्फी बुखारी जो मुशीर ख़ास हैं इमरान खान के, सैयद यावर बुखारी, और जो पहले वज़ीर आज़म गुजरे राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, ये सब लोग अफसोस के लिए आए थे। इनके कुल पे भी आए हैं और सरदार साहब के पास अफसोस के लिए भी आए हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और सरदार साहब को सब्र जमील अता फरमाए। तो ये उनके जनाजे की वीडियो भी थी, और जो शख्सियात सियासी और समाजी उनके पास आई हैं ये मैंने वीडियो बनाई। ये बिलावल भुट्टो, जिस तरह मैंने आपको बताया पीपल्स पार्टी की चेयरमैन, ये भी अफसोस करने के लिए सरदार साहब के पास आए। काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे जब जी आए। और ये अफसोस करने के बाद अब बिलावल भुट्टो जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये वापस जा रहे हैं। ये बाई रोड ही आए थे इस्लामाबाद से, तो अब ये वापस जा रहे हैं अफसोस करने के बाद। ये जुल्फी बुखारी जो इमरान खान के मुशीर ख़ास हैं, और सैयद यावर अब्बास नाम है इनका मेरे ख्याल में, इस साइड पे वो साथ बैठे हैं। तो ये लोग भी सरदार साहब के पास अफसोस के लिए आए हैं। काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, सियासी अनीफ अब्बासी का नाम है, भूल गया, मुस्लिम लीग नून के, वो आए थे इनके पास अफसोस करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत से लोग आए हैं, कुछ के नाम मुझे याद नहीं है, और कुछ की तो ये वीडियो मैंने बनाई तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें। शुक्रिया।